मिनरल एलिमेंट्स। वेलकम फ्रेंड्स, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर फ्री चैप्टर्स के नए टॉपिक को पढ़ते हैं, मिनरल एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि खनिज तत्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। खनिज तत्व, जीव शरीर में अल्प मात्रा में कई प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अल्प मात्रा में कई प्रकार के खनिज तत्वों की यानी कि मिनरल एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। इन्हें भोजन से प्राप्त किया जाता है। इन तत्वों की दो श्रेणियों में बांटा जाता है। इन तत्वों को अधिक भार तत्व जो बल्क एलिमेंट्स है, जिनके कई कई ग्रामों की प्रतिदिन खपत होती है, यानी कि पर डे के हिसाब से ग्राम ग्राम में लिया जाता है, हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं। तथा सूक्ष्म मात्रिक तत्व यानी ट्रेस एलिमेंट, जिनकी केवल कुछ मिलीग्राम या माइक्रोग्राम मात्रा की ही प्रतिदिन खपत होती है। ओके, प्रमुख आवश्यक तत्व, इनके स्रोत तथा कार्य और इनकी कमी के प्रभाव निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। आइए अब हम लोग तालिका देखते हैं, मिनरल एलिमेंट्स की आवश्यक खनिजों की तालिका। ठीक है, जिसमें कि पहला है खनिज तत्व, मिनरल एलिमेंट्स, उसके सोर्स, उसके महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस, और उसके कमी के प्रभाव यानी कि उसकी डेफिशिएंसी। पहला कैल्शियम, इसके सोर्स हैं दूध, पनीर, सब्जियां। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस दांतों और हड्डियों की रचना, रुधिर स्कंदन तंत्रिकाओं की पेशियों के कार्य, और इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, दांत व हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं, शरीर बुद्धि कुंठित हो जाती हैं। सेकेंड फॉस्फोरस, इसका सोर्स है दूध, मांस, अनाज, इसका सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व क्या है, दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, ATP, DNA, RNA आदि का घटक, और इसकी डेफिशिएंसी क्या है, दांत व हड्डियां दुर्बल, शरीर वृद्धि एवं कार्य की कुंठित। थर्ड इज सल्फर, सल्फर में क्या होगा, इसके सोर्स होंगे भोजन की कई अनिरुद्ध प्रोटीन्स, इसके महत्व कई अमीनो अम्लों का घटक, इसका डेफिशिएंसी क्या होगा, प्रोटीन्स की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ। चौथा पोटेशियम, पोटेशियम इसके सोर्स होगा मांस, दूध, अनाज, फल, सब्जियाँ, इसका महत्व होगा अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की, इसकी डेफिशिएंसी होगी उक्त रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता। ठीक है, पैरालिसिस वगैरह का खतरा इन सब में होता है। नेक्स्ट इस क्लोरीन, इसका सोर्स होगा खाने वाला नमक, महत्व होगा इसका अम्ल क्षार संतुलन। ठीक है, जठर रस का घटक, डेफिशिएंसी क्या होगी, भूख कम होगी, पेशियों में ऐंठन होगी। नेक्स्ट इस सोडियम, ये भी इसका भी सोर्स क्या है, खाने वाला नमक ही, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की, इसकी डेफिशिएंसी उक्त रक्तचाप, भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन इसमें भी। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, इसका सोर्स होगा अनाज और हरी सब्जियां, इसका सिग्निफिकेंस होगा ग्लाइकोलाइसिस की तथा ATP पर आधारित आश्रित कई उपापचय प्रतिक्रियाओं के एंजाइमों का कोफैक्टर यानी कि सहघटक होगा। इसकी एफिशिएंसी ऑफ, इसकी डेफिशिएंसी क्या होगी, इसकी डेफिशिएंसी होगी उपापचय प्रतिक्रियाओं की अनियमितताओं से विविध तंत्रों की, मुख्यतः तंत्रिका तंत्र की कारिक प्रभावित होगा इससे। ठीक है, ये तो इसके तालिका के 7 पार्ट हो गए। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट आयरन, इसके सोर्स होंगे मांस, अंडे, फलियां, हरी सब्जियां आदि। इसका महत्व क्या होगा, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइमों का घटक होगा। डेफिशिएंसी क्या होगी, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता, दुर्बलता, शरीर का सुरक्षा तंत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। नेक्स्ट फ्लोरीन, इसका सोर्स क्या होगा, पीने वाला जल, चाय, ठीक है आदि। इसका महत्व क्या होगा, हड्डियों और दांतों की क्या होती है, सुरक्षा होती है। डेफिशिएंसी क्या होगी, दांतों में दुर्बलता होगी, आधिक्य से फ्लोरिस रोग होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा कि फ्लोरिसिस रोग किस चीज़ की कमी से होगा, जब क्या होगा, फ्लोरीन की कमी होगी। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आयरन, फ्लोरीन, जिंक, तो उसमें ऑप्शन आपको लगाना होगा फ्लोरीन का। नेक्स्ट इज जिंक, इसका सोर्स होगा अनाज, दूध, अंडे, मांस, समुद्री भोजन। ओके, इसका महत्व होगा जल अपघटन अर्थात पाचन एंजाइमों में अनेक एंजाइमों का सहघटक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तो डेफिशिएंसी होगी, कुंठित बुद्धि होगी, रक्त छीणता, ठीक है, दुर्बल सुरक्षा तंत्र आदि। नेक्स्ट इज कॉपर, इसका सोर्स होगा मांस, फलियां, हरी सब्जियां, समुद्री भोजन आदि। इसमें महत्व क्या है, इसका साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एंजाइम का सहघटक होता है और उपापचय तथा संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों के विकास हेतु ये इंपॉर्टेंट आवश्यक होता है। इसका डेफिशिएंसी होता है रक्त छीणता, संयोजी ऊतकों और रुधिर वाहिनियों की दुर्बलता। नेक्स्ट होता है मैंगनीज, इसमें होगा मेवा, अनाज, हरी सब्जियां, चाय, ठीक है, फल आदि, ये सब इसके सोर्स हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, यूरिया संश्लेषण तथा फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित प्रतिक्रियाओं के कुछ एंजाइमों का सहघटक होता है और इसकी डेफिशिएंसी होगी
जो अस्थि होती है एवं जो संयोजी ऊतक होती है उनकी वृद्धि में अनियमितता होती है। नेक्स्ट इज आयोडीन, इसका सोर्स दूध, समुद्री भोजन, पनीर आदि होता है। इसका जो महत्व या जो इसकी इंपॉर्टेंस है, थायरोक्सिन हार्मोन्स का महत्वपूर्ण घटक होता है और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो क्या है, क्रेटिनिज्म, ठीक है, घेंगा आदि, ये सब इसके डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट इज कोबाल्ट, दूध, पनीर, मांस इसके सोर्स होते हैं। विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है ये और रक्त क्षीणता इसकी डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट इज सेलेनियम, मांस, अनाज, समुद्री भोजन इसके सोर्स हैं। कई एंजाइमों का सहघटक, विटामिन ई का सहायक होता है ये, इम्पॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिएगा, विटामिन ई का क्या होता है, सहायक होता है ये, और इसकी डेफिशिएंसी है पेशियों की पीड़ा, ठीक है, और हृदय पेशी क्षय आदि इस समय होता है अटैक वगैरह में, इसलिए ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज क्रोमियम, इसका सोर्स होता है यीस्ट, समुद्री भोजन, मांस और कुछ सब्जियां। महत्व इसका इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज तथा उपापचय में ये महत्वपूर्ण होता है। डेफिशिएंसी इसकी ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ियाँ होती हैं। एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज इसका सोर्स है अनाज, फलियाँ और कुछ सब्जियाँ। इसका जो महत्वपूर्ण है, कुछ एंजाइमों का ये सहघटक होता है इसलिए महत्वपूर्ण होता है, और इसकी डेफिशिएंसी है नाइट्रोजनीय जो पदार्थ होते हैं उसके उत्सर्जन में क्या होती है, इसमें अनियमितता होती है, ठीक है। ये हम लोगों ने मिनरल एलिमेंट्स, खनिज तत्व के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक विटामिन के ऊपर पढ़ेंगे, जब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और फूड सेफ्टी ऑफिसर फ्री चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में आप फूड टेक्नोलॉजी के जाके देख सकते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।